सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी एकदम बढ़िया चल रहा होगा। फ्रेंड्स, आर्मी आरबीआई असिस्टेंट का मॉक नंबर 2 देने जा रहा हूँ, ठीक है। जैसा कि आपको पता होगा, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो गए तो मैं पहले से ही दो दो मॉक अभी तक अपलोड कर चुका हूँ आरबीआई असिस्टेंट का, ठीक है, रिकॉर्डिंग लाइव। और आज मैं मॉक नंबर 2 देने जा रहा हूँ और आप भी मेरे साथ अटेंड कर सकते हो, ठीक है। और ये जो मॉक है ना फ्रेंड्स, मैं टेस्ट बुक्स देता हूँ जैसा कि आप देख सकते हो, और जो इसका कंटेंट है ना यार, ठीक रहता है। अगर आप इसके ऑलरेडी सब्सक्राइबर हो इस टेस्ट बुक के, तो आपको पता होगा कि कंटेंट इसका समटाइम काफ़ी ईजी होता है, समटाइम हार्ड होता है, समटाइम मॉडरेट होता है। तो एक तरीके से कहा जाए तो ठीक ठाक रहता है इसका, ठीक ठाक इन द सेंस कि बढ़िया रहता है। और जैसे कि और भी मॉक टेस्ट हो गया है, लाइक स्मार्ट कीड़ा का, ऑली बोर्ड का, मतलब ये सब का भी बढ़िया है। मैं फ्रेंड्स पर्टिकुलरली मैं अभी इसी का मॉक देता हूँ टेस्ट बुक का। अभी तक मैं ऑली बोर्ड का टेस्ट और स्मार्ट कीड़ा का नहीं लिया हूँ, अब लेने वाला हूँ। बस थोड़ा सा अभी इस टाइम फाइनेंशियल का प्रॉब्लम है, तो अभी कुछ दिन में ले लूँगा, ठीक है। तो उस जब उसको ले लूँगा तो फिर उससे भी करूँगा, बट अभी फॉर द टाइमिंग मैं टेस्ट बुक से ही दे रहा हूँ। अगर आपको भी लेना हो टेस्ट बुक का मॉक टेस्ट, तो आप डेफिनेटली मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको रेफ़र कर दूँगा, सो दैट आपको डिस्काउंट भी मिल जाए, ठीक है। और तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं आज आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम का मॉक नंबर 2, ओके। बाद में फिर एनालिसिस भी करेंगे, सो लेट्स बिगेन। ओके, सो स्टार्टिंग हुआ है पैसेज से, पैसेज शॉर्ट पैसेज लग रहा है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड मेटलर्जी हाईलाइटेड इन द गिवन पैसेज? मेटलर्जी, स्टडी ऑफ मेटल, स्टडी ऑफ मेटल ही होता है मेटलर्जी। देखते हैं यहाँ पे कहाँ है मेटलर्जी। हाँ, डेवलप न्यू टेक्निक इन मेटलर्जी। पहले इसको स्किम कर पढ़ लेते हैं। द ब्रॉन्ज एज इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट बिगेन अराउंड, ओके, अलोंग विद एशिया इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया। द इंडस वैली रीजन वाज वन ऑफ थ्री अर्ली क्रेटर्स ऑफ द सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द थ्री, एंड द इंडियन वैली सिविलाइजेशन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव, ओके। एंड इट्स पीक वी हैव हैड अ पॉपुलेशन ऑफ ओवर 5 मिलियन। द सिविलाइजेशन वाज फाइनली सेंटर्ड इन मॉडर्न डे पाकिस्तान इन द इंडस वैली रीजन, एंड सेकेंडरली इन द घाघर हकरा रिवर बेसिन इन ईस्टर्न पाकिस्तान एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। द मैच्योर इंडियन सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड फ्रॉम मार्किंग द बिगनिंग ऑफ अर्बन सिविलाइजेशन ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। द सिविलाइजेशन इंक्लूड सिटीज हड़प्पा, गोंडवाना एंड मोहेंजोदड़ो इन मॉडर्न डे पाकिस्तान, एंड धोलावीरा, कालीबंगन, राखीगढ़ एंड लोथल इन मॉडर्न डे इंडिया, ओके। इनहेबिटेंट्स ऑफ एंशिएंट इंडसिया वैली द हैपन डेवलप न्यू टेक्निक इन मेटलर्जी एंड हैंडीक्राफ्ट कैनल प्रोडक्ट्स। स्टडी ऑफ मेटल ही होगा। एंड प्रोड्यूस कॉपर, ब्रॉन्ज, लेड एंड टिन। द सिविलाइजेशन इज नोटेड फॉर इट्स बिल्ट ऑफ ब्रिक, रोड साइड ड्रेनेज सिस्टम एंड मल्टी स्टोरेज हाउसेज, एंड इज द एंड इज थॉट टू हैव हैड सम काइंड ऑफ म्यूनसिपल ऑर्गेनाइजेशन। आफ्टर द कोलैप्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, द इनहेबिटेंट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन माइग्रेटेड फ्रॉम द रिवर वैली ऑफ इंडस एंड घाघर हाकरा टूवर्ड द हिमालयन फुटहिल्स ऑफ द गंगा यमुना बेसिन, ओके। कोलैप्स मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, तो इसका सिमिलर मीनिंग हो सकता है राइज, स्वेल, सक्सीड, डिसइंटीग्रेशन। मुझे तो फॉलोइंग द एंटोनिम ऑफ एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव मतलब होता है, एक होता है फ्रेंड्स एक्सपेंसिव जिसका मतलब होता है महंगा, और एक होता है एक्सपेंसिव जिसका मतलब होता है एक्सटेंसिव। वॉज द मोस्ट एक्सटेंसिव एंड मोस्ट एक्सपेंसिव, एक्सपेंड से बनाया गया एक्सपेंसिव, स्पेसियस। अब इसको ना मार्क और रिव्यू करते हैं। What part of speech is the world civilization hiding in the given passage? What part of speech in the world civilization? Civilization ये नाउन है यार, लास्ट में आई हुए ना, सभ्यता। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सिमिलर, यानी किसका एंटोनिम बताना है? क्रेडल का। क्रेडल कहाँ है? एंशियंट इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया। द इंडस वैली रीजन वॉज वन ऑफ द थ्री अर्ली क्रेडल्स ऑफ द अर्ली क्रैडल ऑफ द सिविलाइजेशन का पार्ट होता है क्या? अर्ली पार्ट ऑफ द पार्ट होता है क्या क्रैडल का? मतलब ये पार्ट होता है तो कैरीकॉट, क्रीप, यार इन, टू बी ऑनेस्ट मुझे इन चारों का मीनिंग नहीं पता क्या होता है, तो इसको स्किप ही करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर नॉट प्रोड्यूस बाई हरप्पन्स, जो हरप्पन्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो हरप्पन्स मुझे की वर्ड मिला था
हरप्पन 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 हड़प्पन हड़प्पन हड़प्पा द सिविलाइजेशन इंक्लूड सिटीज सच एज हड़प्पा गनेवाला मॉडर्न धोलावीरा द हड़प्पन डेवलप न्यू टेक्निक इन मेटलर्जी एंड हैंडीक्राफ्ट कैरनियोल प्रोडक्ट कॉपर ब्रॉन्ज लीड कॉपर ब्रॉन्ज लीड एंड टीन नौ नौ जगह सभी तो प्रोड्यूस करते हैं कॉपर ब्रॉन्ज लीड और टीन हाँ तो नॉन अवेब सभी प्रोड्यूस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वॉज पार्ट ऑफ द इंडस वैली ऑफ सिविलाइजेशन इंडस वैली ऑफ सिविलाइजेशन हड़प्पा ओके हड़प्पा व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन 300 ओवर 5 मिलियन। और व्हाट इज द मेन कंटेक्स्ट डिस्कस इन द पैसेज इंडस वैली सिविलाइजेशन आयरन एज कॉपर एज ब्रॉन्ज एज स्टोन द ब्रॉन्ज इन द इंडस वैली ब्रॉन्ज इसके बारे में बात हुआ है देन इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात हुआ है। डिटरमाइन द इरोनियस पार्ट इन द गेम इफ देयर इज एरेक्ट चूज ऑप्शन 5 नॉट ओनली राजीव बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स कम्स कम्स नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे प्लूरल आएगा कम आ सकता है कम टू द पार एवरी वेडनेसडे। डिटरमाइन द एवरीबडी मस्ट ब्रिंग देयर ऑन लंच टू स्कूल मस्ट ब्रिंग देयर देयर्स देयर्स कहाँ से होगा देयर ऑन लंच टू स्कूल द मैन वॉज ड्रेस इन अ ब्लैक लॉन्ग कोट एंड हैड अ वाइट हैट ऑन हिज हेड एंड हैड अ वाइट हैट ऑन हिज हेड विच वॉज एडोन विथ फीदर्स दैट वॉज अडोन He was extremely attached to his mother and cried inconsolable when she passed away. He was extremely attached to his mother and cried inconsolable. Cried inconsolable. यार यहाँ पे तो एडजेक्टिव आना चाहिए ही वॉज यही होगा The man looked up and told the young boy that it was 6 minutes past midnight on his watch. By his watch, होगा. By his watch. There was silence, while the leader spoke. जब स्पीकर बोल रहे थे. Okay. The teacher needs to find out which bag is it. Whose bag is it? Whose? द टीम मेड अ एफर्ट टू टेक द लीड इन द सेकेंड हाफ द टीम मेड अ इम्पीरियल एफर्ट ड्विंडलिंग वेलर एफर्ट टू टेक द लीड इन सेकेंड हाफ मेरे पॉजिटिव बढ़ेगा वी हैडेंट प्लान टू गो टू द सेम प्लेस इट वॉज मेयरली अ कोइंसिडेंस थ्री पीपल्स हैव The right to live in the society have defeated the three people. These peoples have forfeited the right to live in the society. Deported, abridged मतलब कम करना, forfeited मतलब जब्त करना, जब्त right to live in the society. Deported, forfeited मतलब जब्त करना होता है. These people have forfeited the right to live in the society. हो सकता है यार देखते हैं द ट्रेनिंग वॉज इसमें क्या इनकरेक्टली स्पेल्ड द ट्रेनिंग TRANNING आई थिंक होता है रिगोरस का स्पेलिंग सही है दैट अप्रेंटिस अप्रेंटिस तो हाउ टू थ्रो एंड वॉज ट्रेनिंग ट्रेनिंग अप्रेंटिस होता है ना तो अप्रेंटिस का स्पेलिंग सी लास्ट आई थिंक होता है इसका कन्फ्यूजन हूँ
बट अप्रेंटिस में लग रहा है मिस स्पेल्ड है, ट्रेनिंग TRA डबल N आई थिंक नहीं होता है, देखते हैं। लथार्जी हैज एग्जिस्टेंस लैंग्विशिंग आइडलनेस LETHRG होती है। सोसाइटल प्रेशर वुड टेंड टू, सोसाइटल प्रेशर वुड टेंड टू स्टिम रूरल MB बैलेंस इनएविटेबल, MB बैलेंस बी डेयरिंग हिमसेल्फ डार्लिंग हिमसेल्फ डिजाइन द फर्स्ट स्टैम्प एंड एन एमिनेंट, एमिनेंट वाले एमिनेंट होगा EMINENT होता है। हाँ एमिनेंट तो नहीं सुना, इमिनेंट सुना। द एप्लीकेशन विद द पार्टिकुलरली डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन ऑपरेटर्स जॉब्स वॉज द बिस्किट ऑफ मिक्सिंग ऑटोमेशन डो ऑपरेटर्स एस के इधर ये है क्या, इफेक्ट ऑपरेटर्स जॉब, ऑपरेटर की जॉब। द एप्लीकेशन डेट्रीमेंटल हानि का इफेक्ट ऑन ऑपरेटर्स जॉब वॉज द बिस्किट डो मिक्सिंग ऑटोमेशन ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स ही होगा यार आई थिंक। द एप्लीकेशन विद अ पर्टिकुलरली डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन ऑपरेटर्स जॉब, ऑपरेटर्स जॉब। द एप्लीकेशन विद पर्टिकुलरली डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन ऑपरेटर्स, यार इसके ऊपर अपोस्ट्रॉफी है, ऑपरेटर्स स की फीलिंग आ रही है यहाँ पे, हिसिंग साउंड आ रहा है इसलिए हुआ है क्या ये ऑपरेशंस। वॉज द बिस्किट डॉ मिक्सिंग ऑपरेटर्स, देखते हैं। ओके अब ये क्या है, एक वर्ड अरेंजमेंट है, बायोडाइवर्सिटी मोर परमानेंट इकोलॉजिकल चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस इज इकोलॉजिकल चेंज इन इकोसिस्टम लैंडस्केप एंड द ग्लोबल बायोस्फेयर टिपिकली एसोसिएटेड विथ मोर परमानेंट, ये नहीं लग रहा है। अब बायोडाइवर्सिटी लॉस इज टिपिकली एसोसिएटेड विथ मोर परमानेंट इकोलॉजिकल चेंज इन इकोसिस्टम लैंड एंड द ग्लोबल बायोस्फेयर, बायोडाइवर्सिटी लॉस लॉस टिपिकली एसोसिएटेड विथ मोर परमानेंट इकोलॉजिकल चेंजेस इन इकोसिस्टम, आई थिंक ये लग रहा है सी से, इकोलॉजिकल चेंज इन इकोसिस्टम लैंड इसके अंदर ग्लोबल बायोस्फीयर टिपिकली एसोसिएटेड विथ, नहीं ये नहीं होगा सी, चेंज इन बायोसिटी लॉस इकोलॉजिकल चेंजेस इन बायोडाइवर्सिटी लॉस, नहीं यार बी मोर परमानेंट इकोलॉजिकल चेंजेस इन टिपिकली एसोसिएटेड, भी नहीं यार यही लग रहा है, देखते हैं। मेनी हाउस होल्ड आइदर नहीं डोंट हैव एक्सेस टू इट मे नॉट स्मार्टफोन और चिल्ड्रेन डोंट हैव बी से, मे बी बी से स्टार्टिंग नहीं हो पाएगा। मेनी हाउस होल्ड आइदर मेनी हाउस होल्ड आइदर एक्सेस टू डिजिटल सर्विसेज, डिजिटल सर्विसेज स्मार्टफोन और चिल्ड्रेन डोंट हैव ए सी डी डोंट हैव, इट मे बी नोटेड दैट, नहीं ये नहीं होगा। इट मे बी नोटेड दैट इस मेनी हाउस होल्ड्स आइदर आइदर मे नॉट हैव अ डी स्मार्टफोन और चिल्ड्रेन डोंट हैव, और चिल्ड्रेन डोंट हैव एक्सेस टू डिजिटल सर्विसेस, इट मे बी नोटेड दैट मे नॉट, नहीं तो डी होगा एज फार कॉलम बेस्ड। द कार एक क्यूज द कार वॉज पार्कड, नहीं एक अभी द कार वॉज पार्कड
पार्क इंटर द प्रिंसिपल ऑफिस, नहीं, ए आर द कार वॉज पार्क अंडर द लार्ज मैंगो ट्री, ठीक है। बी पी नो वन इज़ अलाउड टू इंटर द प्रिंसिपल ऑफिस, ये भी सही लग रहा है। दे प्लान टू मेक अ केक फॉर हिज बर्थडे, दे प्लान टू मेक अ केक फॉर हिज बर्थडे। द कार वॉज पार्क अंडर अ लार्ज मैंगो ट्री, अरे यार सी आर भी सही लग रहा है ना, नहीं सी आर नहीं लग रहा है, नहीं नहीं यही सही है, ए आर बी पी। दे प्रपोज टू कॉन्स्क्रिप्ट बोथ, एक आई बोथ कैपिटल एंड लेबर, एक आई दे प्रपोज टू कॉन्स्क्रिप्ट बोथ सर्वाइल टू पब्लिक ओपिनियन, एन ऑनेस्ट जज के नॉट बी फ्लडेड विथ कंट्राबैंड गुड। मोस्ट ऑफ द सर्किट सिटी मार्केट वर कैपिटल एंड लेबर, मोस्ट ऑफ द सिटी मार्केट फॉर कैपिटल एंड लेबर। दे प्रपोज टू कॉन्स्क्रिप्ट बोथ कैपिटल एंड लेबर, बोथ कैपिटल एंड लेबर, एक आई लग रहा है, करते हैं। न्यूमोनिया इज अ डिजीज विच हैज़ बीन एलिमिनेटेड नाउ, विच हैड बीन जो अभी ख़त्म हो गया है, विच हैज़ बीन एलिमिनेटेड नाउ हो सकता है, हाँ विच हैज़ बीन एलिमिनेटेड नाउ। द माइस रन इन टू देयर होस्ट वेन दे हियर द कैट अराइव, वेन दे हियर द कैट, द माइस रन इन टू देयर होल्स, मतलब पास्ट ऑफ द पास्ट, यानी कि यहाँ पे पास्ट परफेक्ट आएगा। द माइस रन इन टू देयर होल्स जब वो सुन, वेन दे हियर द कैट अराइव, 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 when they hear the cat arrive, when they hear the cat arrive, मेरे को इसमें डाउट लग रहा है यार, नॉन एनिवर्क में पास्ट ऑफ द पास्ट है ना ये, द माइस है या फिर पैरेललिज्म, पैरेललिज्म तो नहीं लगेगा। द माइस रन इनटू देयर होल्स व्हेन दे हियर द रे, व्हेन दे हियर द कैट अराइव। अब इसको ना मार्क फॉर रिव्यू करते हैं, तीसरा देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड एक्सपेंसिव हाईलाइटेड इन द गिवन पैसेज, एक्सपेंसिव, सो एक्सपेंसिव वॉज द मोस्ट एक्सपेंसिव एंड इट्स पीक मे हैव हैड अ पॉपुलेशन ऑफ ओवर 5। एक्सपेंसिव का मतलब एक्सटेंसिव ही होना चाहिए, एक्सटेंसिव। स्पेशियस का मतलब क्या होता है यार, स्पेशियस का मतलब पता हो जाता तब तो कंफर्म हो जाता मैं, अभी डाउट में हूँ थोड़ा सा, बिटवीन एक्सटेंसिव एंड स्पेशियस। ओके लेट्स गो विथ एक्सटेंसिव। फिफ्थ क्रेडल, ये कंफर्म हूँ अभी कि नहीं पता मेरे को। द माइस रन इनटू देयर होस्ट व्हेन दे हियर द कैट अराइव, व्हेन दे हियर द कैट अराइव्ड। मार्क फॉर रिव्यू नहीं, जब नेक्स्ट चलते हैं, सबमिट सेक्शन करते हैं, क्वांट्स करते हैं। ओके सो पहले ही आ गया यार, 1272, 1272, 88 में से 48 नहीं होगा अभी, 810, 48 को 60, 48 8 यानी कि 152 प्लस 4 × 2 = 4, 6 × 5 = 198, 196 होता है 13 का, 196 होता है 14 का स्क्वायर, 6 × 6 = 24, 9 × 36 और 10 × 6 = 60, 72 का स्क्वायर, 38 × 24, 38 × 24, 38 × 24 72 का स्क्वायर होता है 50 से 22 ज़्यादा है 484, ठीक है। 25 + 22, 5 × 6 = 7 × 4, 2 ज़्यादा, 4984, 4984, 6 × 7 = 49, 7 × 7 = 712, 712 6, 6 × 6, 6 × 6 =
अरे यार इसका क्या होगा? ओके ओके, इसको 24 से फिर डिवाइड भी तो करना है। 4984 अपॉन 24, ये 6 712, 24 फिर 6 8 3 24, 8 64 64 64 64 चार 8 9 72, मतलब 36 18। यार ये कंफ्यूजन हो रहा है, अभी करते हैं बाद में। 6 को 35, 6 35, ओके ओके ओके, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 36 18, 72 18, 90 में 15, 40 40, 45 45 और 35, 45 और 35 हो गया 80, 8 6 48, 480 आएगा इसका। 1500 793, यानी कि 800, 15947, 15947, और फिर 3 9 10 7 2 3 3 9 10 11 12 24 25, 4 में से 1, 3 9 में से 15 15 13, 430, सॉरी सॉरी प्लस होगा इसमें ना, 7 7 14 1 5 6 9 5 14 11 5 1 8 4 6 4, 1 8 4 6 4। अभी यार ये तो आ ही नहीं रहा है। 7 9 63, 7 9 63, और फिर 2 3 6 2 9 18, 2 3 6 7, 2 8 16, 9 6 15 11, 9 5 5, 4 3 से 72 3 73, यानी कि 412, 412, 382 में 370 गया, 3 412, 412 अपॉन 8 प्लस 9.5, 8 5 40, 8 कम 8, 8 5 40, 91 9 हो गया, 60 61 आएगा इसका। कितना है भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, 4000 4000 12, ये आएगा ना, 8 5 40, 8 5 40, 8 कम 8, 8 5 40, 9 9.5, 511, 76 76 डिवाइडेड बाई इसका होगा यार 5 1/4, 1/4 यानी 4, फिर 1/10 × 10, 40 40 इंटू 76 इंटू 25 25 125 प्लस 91 91, 10 760, 735, 3 38, 91 3891, 30 यानी कि 23 प्लस 7 हो गया 30, 30 का डबल हो गया 60, और 60 और 5 हो गया 65%, 7 8 56, 7 8 56, यानी कि 8x/100 इज इक्वल टू 16, 8 2 ना 16, एक्स का वैल्यू 200। ओके तो ये आ गया डी आई, डी आई को फॉर द टाइम बींग स्किप करते हैं। ये आ गया आप अर्थमेटिक को भी स्किप करते हैं। अरे भाई कितना अर्थमेटिक है यार। ओके सो ये क्या है, इंटू हो रहा है 13 दुना 26 प्लस 1, 10 गुना, ये लमसम कितना जा रहा है, ये लगभग 10 गुना है, ये लगभग 10 गुना है, और ये लगभग 8 गुना है, ये लगभग 6 गुना, ये लगभग 4 गुना है, 4 7 ऐसा लगा 2 4 2 8 9 108, 108 108 प्लस 1,
कहाँ जाना, 10 एक 100 109 0.25, 2.25, 6.25, 12.25, 20.25, यानी 25, 25 का ये है, 25 का 9 गुना, 0.25 का 9 गुना, 2.25 का ये है 0.9, 0.6, 0., अरे यार यहाँ पर डिफरेंस है क्या, +2 +4 +6 +8 +10, यानी 30.25 होगा। 34 34 48 73 डिफरेंस ही जा रहा है, 32 और 48 हो गया 8 16, और 2 50 तो 25, यानी 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, मोस्ट प्रोबेबली 6 3 9 7 109 है क्या कहीं, है 15 22 15 22, ये भी डिफरेंस जा रहा है, 5 6 7 +7 +11, यार ये प्राइम नंबर जा रहा है क्या, 7 11 13, 3 3 9 4 59 है क्या, 59 नहीं है, 7 9 10 11 12, 127 पर 90 कितना है आपका, ये है 63 63, 63 यहाँ पे 7 यहाँ 11, यहाँ 63, यार 7 11 63 डिफरेंस आ जा रहा है यार, इसको इसलिए करो यार, टाइम ओवर हो रहा है अभी। 21 23 48 21 into 1 plus 2 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 plus 4 into 3 plus 2 यहाँ पे है ना, हाँ into 2 यहाँ into 5 plus 2 2932 2932। ओके सो ये हो गया, अब पहले कर लेते हैं इसको डीआई को, द फॉलोइंग टेबल शो द नंबर ऑफ बुक्स इशूड ऑन 5 डिफरेंट डेज, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ बुक इशूड बाय द लाइब्रेरी ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे 15 25 हो गया, 4000 4700 4700, 14 7 21, 6100, 1 2 3 4, 4×4 4×4 8, 152 समथिंग, ये रहा 1525। फाइंड ऑन विच डे द लाइब्रेरी हैज द लीस्ट नंबर ऑफ बुक, लीस्ट नंबर ऑफ बुक, यार यार वेडनेसडे को 6100, मंडे को मंडे को कितना है, 15 4 19 19 और 9 19 और 28 28 1 38 8 40, यानी 4600। ट्यूजडे कितना है, ट्यूजडे को है 2 2000 4000 4300 4400 5400, और थर्सडे को है 17 7 24 24 9 24 9 33 33, और 2 33 35 33 55, थर्सडे को 55 है 5500। फ्राइडे को है 12 12 10 22 22, और फिर 22 22, और फिर 21 हो गया आपका 43 43, और 6 4950 4950, यानी कि सबसे कम मंडे को है, मंडे को। द नंबर ऑफ हॉरर बुक इशूड ऑन वेडनेसडे, द नंबर इशूड ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे 9 7 16, इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ एक्शन बुक इशूड ऑन मंडे एंड वेडनेसडे, मंडे का एक्शन 1500 और वेडनेसडे को
2500 यानी कि 4000। ये जो वॉट परसेंट 45 यानी कि 40% द टोटल नंबर ऑफ हॉरर एंड कॉमिक बुक इश्यूड ऑन वेडनेसडे। वेडनेसडे हॉरर हॉरर हो गया 700, कॉमिक हो गया 1400 यानी 2100। इज हाउ मच परसेंट लेस देन द टोटल नंबर ऑफ फिक्शन एंड एक्शन इश्यूड ऑन वन डे। 915 9 हो गया 24 यानी कि 3 8 24 3 7 यानी कि 1 कम है 8 यानी कि 12.5। फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ एक्शन बुक एंड फिक्शन बुक इशूड बाई द लाइब्रेरी ऑन 5 डेज। एक्शन 5 डे कितना होगा, एक्शन एक्शन 15 25 4000, 4 2 6000, 1 7000, 1 8700। 8700 हो गया एक्शन बुक, और फिक्शन बुक हो गया 11 9 2000, 3500। 35 7 हो गया 42, और 42 1 हो गया 52, 52 2 54, 5400। ये से ये कट गया, ये से ये कट गया। 3 9 6 3 9 27, 3 1 3, 3 8 24, 29 18, 29 18। और सबके पर गिव डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन आयरन। द मार्क प्राइस ऑफ आयरन इज 10% डिस्काउंट यानी कि MP से SP ये 10 का चीज 9 में दे दिया। द मार्क प्राइस ऑफ आयरन इज 900, तो 9 9 81 800 होगा सेलिंग प्राइस आफ्टर अलाउिंग डिस्काउंट। द शॉप कीपर गेन 8% यानी कि 25 25 27 में। ओके तो 3 9 27, 3 10 में 30, 3 10 में 30, 3 3 9 30। किसका वैल्यू बताना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ आयरन। कॉस्ट ऑफ 25 75 यानी 750। गौरव मंथली सैलरी 36,000 रुपीज़, ही इन कैश 3 4 टाइम्स सैलरी इन इक्वल नंबर ऑफ नोट्स हैविंग डिनोमिनेशन 100 रुपये 50 रुपये नोट्स। ठीक है, गौरव मंथली सैलरी 36 स्किप करते हैं, दूसरा करते हैं। एन एम बी टैंक हैज़ कैपेसिटी 606 लीटर। इफ वाटर फ्लो इंटर एट द रेट ऑफ 9 लीटर पर मिनट एंड वाटर इज पम्प अप बाई 7 9 और 7, देन इन हाउ मेनी हाउ विल दैट टैंक बी फिल्ड। 2 2 3 6 2 3 6, हर घंटे ये क्या करता है, 9 किलोमीटर भरता है ये हर 2 किलोमीटर पर मिनट, पर मिनट ना, तो पर घंटा, पर मिनट यानी पर घंटा 6 9 54, 7 6 9 54, 9 54, 7 56 42, 56 42 यानी कि 4 2 5 120, 6600 को 120 करेंगे 12 5 7, 12 5 7 यानी 55 घंटे में भर जाएगा। टू टैप्स ए एंड बी कैन इनपुट सिस्टम टू टू आर और 1 आर। इफ बोथ द टैप आर ओपन साइमल्टेनियसली देन हाउ मेनी टाइम बोथ द टैप टुगेदर कैन इनपुट द कंप्लीटली फिल टैंक। 2 1 3, अरे यार 2 1 ही है, 2 बाई 3, 3 2 9 6, अभी 2 9 40 मिनट में। द एवरेज मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट इन क्लास इज 62 यानी टोटल हो गया 3101। लेट इट फॉर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स आर मेड 39 इंस्टेड ऑफ 89। ठीक है, यानी कि 50 और इंक्लूड होगा तो 3150 हो जाएगा। वॉट इज द न्यू एवरेज विन द मार्क दैट आर कंट्रैक्टेड यानी कि 5 31 5 15 63। इन स्कूल 55% ऑफ स्टूडेंट बॉयज़ यानी 100 है तो 55 बॉयज़ हो गए और गर्ल्स हो गई 45। इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 5 यानी कि 50, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। 22 50 कहाँ गए, हाँ। राधा इज 4 ईयर यंगर देन सीमा एंड गीता इज 6 ईयर एल्डर देन सीमा। एज ऑफ गीता इज द एज एज ऑफ गीता इज डबल द एज ऑफ राधा। गीता और राधा, एज ऑफ गीता इज डबल द राधा यानी राधा अगर x है तो ये 2x। राधा इज 4 ईयर यंगर देन सीमा। राधा इज 4 ईयर यंगर देन सीमा यानी कि जो सीमा है वो x प्लस 4 है।
एंड गीता इज 6 ईयर ओल्डर देन सीमा, एंड गीता इज 6 ईयर ओल्डर देन सीमा, यानी कि 2x में से x प्लस 4 हो जाएगा तो 6 आएगा, 2x में से x जगह x प्लस 4 इक्वल टू 6, x का वैल्यू 2, ठीक है। एज ऑफ गीता इज 12, देन फाइंड द एज ऑफ राधा, एज ऑफ राधा छः चार 10 साल होगा। और मिक्सचर वर्थ 180 पर के जी इज फॉर्म बाई मिक्सिंग टू टाइप ऑफ पीनट, वन कॉस्ट 150 पर के जी और एक 220 रुपये पर के जी, ठीक है। 180 यानी कि यानी यहाँ से 30, यहाँ से 50, 5:3 के रेशियो में मिक्स किया गया था इसको। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ सेकेंड टाइम पीनट इन द मिक्सचर, इतना 8% है 35, व्हाट परसेंट ऑफ सेकेंड मिक्सचर, 5 ये 3 ये, यानी कि 5 3 8 में 3 बताए 36, 36.5 होगा ना। व्हाट इज द परसेंट ऑफ सेकेंड टाइप ऑफ पीनट इन द मिक्सचर, सेकेंड टाइप ऑफ द मिक्सचर यानी कि 180 में से 50 गया 30 और 220 में से 5 5:3 5 8 12 5 60। देवकी इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ रुपीज 75,000 टू स्टार्ट हार्डवेयर बिजनेस आफ्टर 8 मंथ सरोज ज्वाइंट, देवकी 75,000 सरोज आफ्टर 8 मंथ सरोज ज्वाइन विद हर अमाउंट 80,000, यानी कि 80,000 एट द एंड ऑफ 4 ईयर, 80,000 एट द एंड ऑफ 4 ईयर, यानी कि 12 चौक 48, 40 महीने के लिए, 48 महीने के लिए 8 5 8 5 40 48 5 5 5 5 7 35 अरे 50 25 5 5 5 6 35 15 6 90 16 5 80 8 9 8 1,17,000 वाट इज 9 8 17 17 देवकी का बताना है ना, देवकी 17 तो 90,000 होगा देवकी का। आदित्य गॉट सम अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम हिज फादर इन हाउ मेनी इयर्स विद द इशू ऑफ द मनी एंड द इंटरेस्ट ऑब्टेन फ्रॉम इट, 10:10:2 आदित्य गॉट सम अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम इन हाउ मेनी इयर्स विद द रेशियो ऑफ द मनी एंड द इंटरेस्ट, रेशियो ऑफ द मनी एंड इंटरेस्ट ऑब्टेन 6% पर एनम, यानी कि 10 से वैल्यू 3 6 5 6 2 5 10 5 साल कह रहा हूँ, 3 का वैल्यू हो जाएगा कितने साल में, यानी 6% 3 2 6 2 5 10 5। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सी आई एन एस आई फॉर 3 ईयर एंड द डिफरेंस बिटवीन सी आई एन एस आई फॉर 2, इस प्रिंसिपल इज 20,000 एंड रेट 10%, 10% होता है 1/10, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, 100 पावर इनटू करते हैं सी आई एन एस आई होता है 3a+1, 3a+ का यूनिट क्या हो, 300+1 2,000 यानी कि 20,000, टाइम हो गया यार, टाइम हो गया, करते हैं अब यार, अब करते हैं लिसनिंग पे आते हैं। हु सिट्स सेकंड टू द सर्टन टू द राइट ऑफ फादर यार, ए पर्सन आज सिटी ऑन, इसको करते हैं स्किप, पहले मिसलिनियस करते हैं, इसको भी स्किप करते हैं, इसको भी स्किप करते हैं, 1 2 3 4 5 इन द एबव अरेंजमेंट विच द फॉलोइंग इज द 17th एलिमेंट टू द राइट ऑफ अ सिंबल विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाई ए डिजिट and immediately preceded by an alphabet, followed by a digit and immediately right of a symbol, the right of a symbol, right of a symbol which is immediately followed by a digit, immediately followed by a digit and preceded by an alphabet, ठीक है। इसका कितना 17th element to the right, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 जेड, होपफुली यही होगा। हाउ मेनी लेटर आर देर इन द एबव अरेंजमेंट विच इज आर इमीडिएटली फॉलोड बाई अ सिंबल एंड इमीडिएटली प्रीसेड बाई अ डिजिट,
फॉलोड बाई ए सिंबल, फॉलोड बाई सिंबल, फॉलोड बाई सिंबल एक, फॉलोड बाई सिंबल, फॉलोड बाई सिंबल, फॉलोड बाई सिंबल, फॉलोड बाई सिंबल, फॉलोड बाई सिंबल दो, फॉलोड बाई सिंबल, फॉलोड बाई सिंबल तीन, फॉलोड बाई सिंबल क्यू एच तीन होगा। हाउ मेनी सिंबल आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट विच इज आर इमीडिएटली फॉलोड एंड इमीडिएटली प्रीसेड बाई डिजिट। ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, ये भी नहीं है, ये है, ये भी नहीं है, यानी दो। ए फिट ऑफ ऑल द सिंबल एंड लेटर फ्रॉम द अबव सीरीज सिंबल एंड देन फाइंड द एवरेज, देन द फाइंड द एवरेज ऑफ द डिजिट दैट आर द थर्ड एंड सेवेंथ प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट इन द न्यू। सिंबल और लेटर, थर्ड सिंबल और लेटर, एक दो तीन, थर्ड अच्छा लेफ्ट इन से ना, एक दो तीन, तीन दो चार पाँच छः सात आठ, चार होगा इसका। फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर डब्ल्यू थ्री, आर डब्ल्यू थ्री के सेवन आर, के सेवन आर, के सेवन आर, ये भी ठीक है। एट द रेट क्यू फोर, एट द रेट क्यू फोर, ये भी सही है। फाइव जेड, फाइव जेड, फाइव जेड, ये भी सही। टू जेड सिक्स से, जेड सिक्स से, जेड सिक्स से नहीं है, ये ऑड है। इसको भी अभी अभी स्किप करते हैं। ओके सो ये करते हैं। बी बी ई, बी बी आई एन यू आई बी आई, बी बी आई एन आई आई एन ई एल, आई एन ई एल सी आई बी डी, एम ओ ई आई एम ओ, एम ओ ई एल, एम ओ ई एल डी सी, डी सी नहीं है, डी सी बी भी, बी भी है, अब बी आई, बी आई बी, ओके। वियर योर मास्क नाउ, वियर योर मास्क नाउ, ब्लैक इज नाउ सिंबल, ब्लैक इज नाउ सिंबल, आई नेवर वियर, आई नेवर वियर, आई नेवर वियर ब्लैक मास्क, ब्लैक मास्क, आई नेवर, आई नेवर, एम ओ डी सी, इसका हो जाएगा ई एल इज सिंबल, ये इसका हो जाएगा सी आई बी डी, इसका हो जाएगा इन मास्क, बी 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 आई। अरे यार कहाँ गया भाई, बैटरी डिस्चार्ज हो गई। वाई आर, वाई आर का भी आई, वाई आर का भी आई, ओके। तो व्हाट इज़ द कोड ऑफ योर इन द गिवन लैंग्वेज, योर 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 का भी आई, योर का यू आई, सॉरी भी आई कर रहा हूँ मैं, यू आई। वो इसका फॉलोइंग कोड है ई एल, ई एल किसका कोड है, वेयर इज ई एल, ई एल है ब्लैक का। व्हाट इज़ द कोड ऑफ द मास्क इन द गिवन, मास्क, मास्क, मास्क यहाँ भी, यहाँ भी, यानी वी वी बी आई, वी वी बी आई, वी वी बी आई, यानी कि वन और थ्री आइदर होगा किस हो। अच्छा ये आ गया, इसको भी फॉर द टाइम बिंग स्किप करते हैं। ये आ गया टैक्स एंड डिस्टेंस का, हाँ
सम पिंग आर नॉट काइंड, सम पिंग जो है वो काइंड नहीं है, सम नेट आर नॉट रोज, सम नेट आर नॉट रोज, सम काइंड आर नॉट रोज, सम काइंड और नॉट रोज, ठीक है, और सम नेट आर नॉट रोज, सम नेट जो रोज नहीं है, ठीक है, ऑल नेट बिंग रोज इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल नेट बिंग रोज इज ए पॉसिबिलिटी, गलत, सम पिंक आर रोज, सम पिंक आर रोज, ये भी गलत है, ऑल रोज कैन बी पिंक, ऑल रोज कैन बी पिंक, हो सकता है क्योंकि डायरेक्टली इसके बारे में बात नहीं हो रहा है, तो ओनली थ्री फॉलोज, ओनली अ फ्यू डिस्क इज नॉट, ओनली अ फ्यू डिस्क इज नॉट, ओके, नो मैट इज रैट, नो मैट इज, ऑल रैट इज डिस्क, ऑल रैट, ऑल रैट इज डिस्क, नो मैट इज रैट, ठीक है, सम डिस्क इज मैट, सम डिस्क इज मैट, गलत, ऑल डिस्क इज मैट, ऑल डिस्क इज मैट, गलत नहीं है, ऑल डिस्क, सम डिस्क आर नॉट, सम डिस्क आर नॉट नट, सम डिस्क आर नॉट नट, थोड़ा सा है, थोड़ा सा नहीं, पहला तीसरा सही, ऑल विंडोज आर यूनिक्स, ऑल विंडोज आर यूनिक्स, ऑल यूनिक्स, नो यूनिक्स इज मैक, नो यूनिक्स इज मैक, सम लिनक्स आर विंडो, सम लिनक्स आर विंडोज, सम लिनक्स आर विंडोज, नो मैक इज लिनक्स, नो मैक इज लिनक्स, नो मैक इज लिनक्स, नो मैक इज लिनक्स, इतना नहीं हो सकता, इतना तो हो ही सकता है ना, गलत, ऑल यूनिक्स बिंग लिनक्स इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल यूनिक्स बिंग लिनक्स इज ए पॉसिबिलिटी, सही है, हो सकता है, सम मैक इज अ लिनक्स, सम मैक्स इज लिनक्स, नहीं, ओनली टू फॉलो, आइदर किसी में लग रहा है क्या यार, नो मैक इज लिनक्स, लो मैक इज लिनक्स, फिर क्या बोला, ऑल यूनिक्स बिंग लिनक्स इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल यूनिक्स बिंग लिनक्स इज ए पॉसिबिलिटी, गलत, लिनक्स हो सकता है, यूनिक्स नहीं, सम मैक्स इज लिनक्स, सम मैक्स इज लिनक्स, यार नॉन ऑफ दिस, सम मै, नो मैक इज लिनक्स, सम वन एंड थ्री में आइदर होगा, पजल करते हैं, पजल पहले ये वाला करते हैं, 8% पी डब्ल्यू हैव ज्वाइन कॉलेज इन डिफरेंट मंथ हैव इन जून जुलाई अगस्त सितंबर, जून जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है, कब कब को यह है, 9 और 15 को, 9 15 ठीक है, जून होता है 30 का, जुलाई होता है 31 का, अगस्त होता है 31 का, तो ये होता है 30 का, ठीक है, ओनली 1% हैज़ ज्वाइन द कॉलेज ऑन द गिवन डेट, ठीक है, 3% ज्वाइन बिटवीन यू एंड एस, यू एंड एस के बीच में 3%, क्यू ज्वाइन जस्ट बिफोर यू, यहाँ क्यू होगा जस्ट बिफोर यू, बट बोथ ज्वाइन इन द डिफरेंट मंथ, डिफरेंट मंथ में ज्वाइन करते हैं, 3% ज्वाइन आफ्टर आर, 1 2 3 1 2 3 ठीक है, पी ज्वाइन इन जुलाई, पी ज्वाइन इन जुलाई, पी यहाँ आएगा, भी ज्वाइन इन कॉलेज आफ्टर डब्लू, डब्लू के बाद भी आएगा, एंड देर इज़ अ गैप ऑफ 1% बिटवीन देम, बिटवीन देम, ओके, तो यार यहाँ पॉसिबिलिटी केस ज़्यादा लग रहा है मेरे को, दे हैव जन ओनली 1% हैज ज्वाइन बिटवीन द 3% गारंटी, ठीक है, क्यू ज्वाइन जस्ट बिफोर यू, क्यू अगर यहाँ करते हैं और यू यहाँ करते हैं तो 1 2 3 छोड़ के एस यहाँ आएगा, एस यहाँ आएगा, अगर यू यहाँ करते हैं क्यू यहाँ करते हैं 1 2 3 तो एस यहाँ आएगा, डब्लू को एक छोड़
पी, डब्ल्यू को एक छोड़ के भी, देखते हैं करके। 1 2 3 एस, एस अगर यहाँ करते हैं, यू यहाँ करते हैं, क्यू यहाँ करते हैं, पी यहाँ करते हैं, डब्ल्यू यहाँ करते हैं, भी यहाँ करते हैं, एक क्या बच गया, पी क्यू आर एस टी यू भी, पी क्यू आर एस टी यू भी टी। वो मैन द फॉलोइंग ज्वाइन 15 सितंबर, 15 सितंबर को ज्वाइन करता है एस, एस ज्वाइन 9th जुलाई, 9th जुलाई यू, फॉर यू पी डब्ल्यू एस आर, यू पी डब्ल्यू एस आर, यू पी, यू पी 31, डब्ल्यू एस, यू पी डब्ल्यू एस आर, यू पी डब्ल्यू, अरे यार मेरे को लगा कहीं गलत तो नहीं ना कर दिया यार, मैं फिर से देखता हूँ यार। इसका पॉसिबिलिटी एक ये भी बन सकता है ना, एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है इसका, आर अगर यहाँ है तो, और यहाँ है क्यू, अगर यहाँ में किया 1 2 3, तीन अगर क्यू, अगर यू अगर यहाँ करता हूँ तो क्यू यहाँ हो सकता है, 1 1 2 3 ऐसे यहाँ भी हो सकता है, पी यहाँ हो सकता है, बट वो वाला कंडीशन फॉलो नहीं होगा। फोर आर द फेम इन सर्टेन वे, यू पी डब्ल्यू एस आर, यू पी डब्ल्यू एस आर, आर को हटाओ यार, आर देखते हैं। इफ 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 नेम ऑफ इच पर्सन इज अल्फाबेटिक ऑर्डर फ्रॉम जून टू सितंबर, जून टू सितंबर, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू क्यू, इफ नेम ऑफ इच पर्सन अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम जून टू सितंबर, देन विच पर्सन ज्वाइन ऑन द सेम डेट एज बिफोर, हु ज्वाइन जस्ट आफ्टर आर, डब्ल्यू, वॉट इज द कोड, ये हो गया, ये करते हैं यार। देर आर एट पर्सन एम एन ओ पी आर ऑल सिटिंग अराउंड सरकोटेस ऑन द मार्केटिंग सेंटर वाइस ऑफिस ऑन द ऑफिसर, बट 8%, 1 2 3 4 5 6 7 8, एम सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जेड, एम सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जेड, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जेड, ओनली 1% सिट बिटवीन ओ एंड आर, ठीक है। एम सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ आर, एम सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ आर, वाई सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ एम, वाई सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ एम, एन सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ पी, एन सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ पी, एन इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ जेड, एन के बगल में जेड नहीं आएगा, ओ सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ एन, ओ सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ एन, एंड बोथ ऑफ देम फेस द सेम डायरेक्शन, बोथ सेम डायरेक्शन, वाई फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर, वाई जो है साउथ में देखता है, वाई फेसेस अपोजिट डायरेक्शन टू जेड, एक्स एंड जेड फेसेस द सेम डायरेक्शन, एक्स और जेड जो है सेम डायरेक्शन फेस करते हैं। तो शुरू कहाँ से किया जाए, शुरू करते हैं यहाँ से, जेड दो छोड़ के हम, जेड और एक्स का सेम रहता है, एम एक छोड़ के वाई, एन के बगल में जेड, जेड 1 2 2 छोड़ के हम, जेड ऊपर देखता है, ठीक है, जेड 1 2 छोड़ के एम हो गया, एम 1 2 छोड़ के यहाँ पे आर हो गया, आर 1 2 छोड़ के एम, आर ऊपर देखेगा, ये भी हो गया, एम एक छोड़ के वाई, एम एक छोड़ के वाई, ओ को एक छोड़ के आर, ओ यहीं पे आएगा, ओ यहीं पे आएगा, एन यहीं पे आएगा, एन एन नीचे देखेगा, एन नीचे देखेगा, और ओ भी नीचे देखेगा, पी यहाँ, पी का इमीडिएट राइट, तो पी भी नीचे देखेगा, वाई और जेड का अपोजिट है, तो वाई और जेड का अपोजिट है,
एक्स और जेड का सेम है, एम एक्स छोड़ के वाई, तो अब वाई यहीं पे आएगा, वाई जेड ओपन, वाई नीचे देखेगा, एक्स यहाँ है, एक्स और जेड का सेम, और एम एक छोड़ के वाई, एम एक छोड़ एम भी नीचे देखेगा। ओके, हु सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ आर, सेकेंड टू द राइट ऑफ आर, ओ हु सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जेड, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जेड, पी हु सिट अपोजिट टू एम, एक दो तीन एक्स, हु सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन आर एंड ओ, वाई, हु सिट्स अपोजिट टू पी, एक दो तीन वाई। ओके, अब ये कौन सा है, नंबर ऑफ फ्लोर है, बी सेम है, नंबर ऑफ फ्लोर भी, ठीक है ठीक ठीक है, 8 7 6 5 4 3 2 1, नंबर ऑफ फ्लोर एवर बी इज द सेम एज द नंबर ऑफ फ्लोर बिलो डी, यानी कि बी और डी में पेयर बनेगा, बी लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर, बी लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर, बी जो है ऑड नंबर फ्लोर पे रहता है, अगर बी यहाँ रहेगा, ठीक है, लिव्स ऑन नंबर फ्लोर, जी लिव्स बिलो सी इज फ्लोर, जी लिव्स बिलो सी से फ्लोर, ए लिव ऑन सिक्स फ्लोर, ए लिव ऑन सिक्स फ्लोर, देर इज वन फ्लोर बिटवीन ए एंड एच, डी लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, डी जो है इवन पे रहता है, डी जो है इवन पे रहता है, ठीक है, ए लिव्स फोर फ्लोर एबव डी, एक दो तीन, यहाँ पे डी आएगा, यहाँ पे बी आएगा, देर आर थ्री फ्लोर बिटवीन सी एन जी, सी एन जी, एक एक दो तीन चार सी, एक दो तीन चार जी यहाँ आएगा, इलिप्स बिलो द एच, इलिप्स बिलो द एच, इलिप्स बिलो द एच, एफ लिप्स फोर फ्लोर बिलो, बी यहाँ आ जाएगा, डी यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और फिर और क्या बोला है, देर इज थ्री फोर बिटवीन सी एंड जी, तीन बी सी, इलिप्स बिलो द एच फ्लोर, इलिप्स बिलो द एच फ्लोर, और एफ लिप्स फोर बिलो बी, एक दो तीन, एफ ई, हु लिव ऑन फ्लोर नंबर फोर, ई हाउ मेनी लिव बिलो ए एन जी, एक दो तीन चार, हु इन द फॉलोइंग लिव ऑन फ्लोर नंबर एक, फ्लोर नंबर एक में जी रहता है, ऑन विच फ्लोर एफ लिव, एफ जो है तीन फ्लोर पे रहता है, थर्ड फ्लोर, वॉट इज द सम ऑफ द फ्लोर नंबर बी एंड एच, बी 7 8 7 15, वॉट इज द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन, ये नहीं हो पाएगा इतने देर में, ये हाउ मेनी सच पेयर आर देयर, हुरिकेन, हुरिकेन एच यू डबल आर आई सी ए एन ई एच आई जे के एल एम एन ओ पी U B B W X Y Z A B S T S T U B W S T U S T U B W, नहीं हो पाया यार, टाइम ओवर हो गया, फिर नेट स्लो हो गया क्या, नहीं सही है, सो फ्रेंड्स जो मेरा रैंक है वो 10,922 आया है, विच इज़ नॉट क्वाइट गुड इनफ, ठीक है, और जो मेरा मार्क्स है वो अप्रॉक्स 70 के हैं आउट ऑफ 100, 81 मैंने अटेम्प्ट किया था, 88.8 है, यानी कि ऑलमोस्ट 89% एक्यूरेसी है, 74.59% आई, लेट्स सी कहाँ पे गलती हुई है, सो इंग्लिश में ही गलत हो गया तीसरे नंबर पे, मुझे फ्रेंड्स डाउट था बिटवीन एक्सटेंसिव एंड एस्पेसियस, एंटोनिम बताना था, हद आदमी है यार, हम भी सिनोनिम पे कर दिया था मैं क्लिक, पक
लिमिटेड होता। मैं बोला था एक्सपेंसिव का मतलब एक्सपेंड करना यार उस टाइम, मतलब ये सब सिली मिस्टेक्स है फ्रेंड, आपको आता है बट आप गलत कर दे रहे हो। एवरीडे मस्ट ब्रिंग देयर ऑन लंच टू स्कूल, इन स्कूल ब्रिंग ब्रिंग देयर, ब्रिंग्स होगा क्या देखते हैं। एवरीबडी मस्ट ब्रिंग हिज अर ऑन लंच टू स्कूल, ओके ठीक। तो यहाँ पे प्रोनाउन एरर है, ओके। और द मैन वॉज ड्रेस्ड इन अ ब्लैक लॉन्ग कोट एंड हैड अ वाइट हैट ऑन हिज हेड विच वॉज एडॉर्न विथ फीदर्स, इसका देखते हैं क्या आएगा। तो मैं विच वॉज एडॉर्न विथ फीदर किया था, लेकिन द मैन वॉज ड्रेस्ड इन अ ब्लैक लॉन्ग कोट, आई थिंक द होगा कि नहीं होगा देखते हैं। द मैन वॉज ड्रेस्ड इन लॉन्ग ब्लैक कोट एंड अ वाइट, द मैन वॉज ड्रेस्ड इन अ लॉन्ग ब्लैक कोट, ब्लैक लॉन्ग कोट यहाँ पे क्या है। द मैन वॉज ड्रेस्ड इन लॉन्ग ब्लैक कोट, यही तो है यार। तो यहाँ पे तो यहाँ भी तो वही चीज़ लिखा है यार, द मैन वॉज ड्रेस्ड इन अ ब्लैक कोट, लॉन्ग नहीं करना था। तो यहाँ पे किस चीज़ का एरर है, यहाँ पे एरर है टू रेक्टिफाई द मिस्टेक मोर देन वन एंड बिफोर अ नाउन, फॉर एग्जाम्पल वी कैन राइट ही इज़ फनी यंग बॉय और शी इज़ स्मार्ट एनर्जेटिक वूमेन, मतलब सुपर फ्लॉसनेस था, ओके। तो ये सही है, 15 में गलती है देखते हैं। देर वॉज साइलेंस वाइल द लीडर स्पोक, क्योंकि सिंस भी हो सकता था, क्योंकि एज द लीडर स्पोक, क्योंकि सिंस जो है टाइम के बारे में बताता है, एज क्योंकि इसका भी मतलब क्योंकि ही होता है, सिंस का भी मतलब क्योंकि होता है, ओके। सो मिस्टेक हो गया, देखते हैं। व्हाइल इज यूज टू टॉक अबाउट टू लॉन्ग एक्शंस, ठीक है। लाइक इज यूज फॉर कंपेयरिंग, टिल मीन्स अंटिल, अप टू इज टू इंटरवेनिंग पीरियड बिटवीन द टाइम एंड मेंशन एंड द टाइम अंडर कंसिडरेशन, ओके। द टीम मेड अ वैलियंट, वैलियंट का मतलब क्या होता है, वैलियंट का मतलब होता है शोइंग करेज और डिटर्मिनेशन, वैलर का मतलब मीन्स ग्रेट करेज इन द फेस ऑफ डेंजर स्पेशली इन अ बैटल, ओके। तो वैलर जो है बैटल में करेज दिखाने का कहते हैं, और वैलियंट शोइंग करेज और डिटर्मिनेशन। तो फ्रेंड्स वैलियंट और वैलर में अगर आपको डिफरेंस ना पता हो ना, तो यार दोनों सेम ही लगते हैं, और यहाँ पे एकदम स्लाइटली डिफरेंस है, दोनों का मतलब ही होता है करेज, बट यहाँ पे है कि आपका डिटर्मिनेशन, और मतलब जो वैलर होता है बेसिकली वो बैटल में जो आप करेज दिखाते हो उसको वैलर कहते हैं, और नॉर्मली जब आप वो करेज दिखाते हो उसको वैलियंट कहते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस फ्रेंड जान लो, एकदम स्लाइटली डिफरेंस है, जिसकी वजह से मेरा गलत हो गया था, और 24 गलत हुआ है मेरा। द एप्लीकेशन आई थिंक इसमें कोई एरर नहीं होता, लेकिन मैं ऑपरेटर पे सोच ही रहा था यार कि गलत होगा ऑपरेटर, बट नो एरर था, क्योंकि ऑपरेटर्स के और एपोस्ट्रॉफी लगा क्योंकि यहाँ पे हिसिंग साउंड आ रहा था, फिर भी मैं ऑपरेटर्स में आई थिंक मैं उस टाइम उस पर किया था मार्क फॉर रिव्यू पे, और ध्यान नहीं गया फिर दोबारा, तो इसलिए गलती हो गया। न्यूमेरिकल एबिलिटी में 23 गलत हुआ है, 180 पर केजी, ठीक। इसका करते हैं, मिक्सचर वर्थ ₹180 पर केजी फॉर्म बाई मिक्सिंग टू टाइप ऑफ पीनट होस्टली 150, एलिगेशन से किया था फ्रेंड इसको 220, और जो मिक्सचर आता है वो 180 का आता है, ठीक है। तो 125 यानी कि 30 ऐसे हो गया, 50 ऐसे हो गया, यानी कि 5:3 के रेशियो में इसको मिक्स किया गया होगा। व्हाट इज़ परसेंटेज ऑफ सेकेंड टाइप पीनट इन द मिक्सचर, सेकेंड टाइप बाई मिक्सिंग टू टाइप्स और वन कॉस्टिंग 150, ये पहला ये दूसरा है, तो ये दूसरा है, तो व्हाट परसेंटेज ऑफ द सेकेंड टाइप ऑफ पीनट इन द मिक्सचर, पीनट इन द मिक्सचर 3 इसका,
यानी कि 1/8 फ्रेंड्स हम लोग को पता है कि 12.5 होता है, और 12.5 को अगर 3 से आप इंटू करते हैं तो 37.5 आता है। तो 37.5 यहाँ तो कहीं दिया ही नहीं हुआ है। तो एग्जैक्टली पूछ क्या रहा है ये, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ सेकेंड टाइप पीनट इन द मिक्सचर मिक्सचर, यानी कि यार टोटल 180 है तो सेकेंड टाइप का मिक्स है यार 180 में, इन टोटल अगर हम 5:3 में मिक्स करते हैं तो टोटल 8 मिक्सचर हो गया, 8 में 3 का पूछ रहा है। क्या आंसर है? 42.85। हाउ? 150 में 80, 30, 185 है ना भाई? व्हाट इज द मैटर यार, 150, 220, और जो इसका मिक्सर आता है वो 180 आता है यार। 150 और 220, मिक्सर जो है 180 का आता है। यहाँ पे 40 होता, यहाँ पे 30 होता है यार, 4:3 होता, आराम से आता 42.85, सिली मिस्टेक्स। और तो सब सही है, ये मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया था। बहुत ही मतलब इजी है ये सब क्वेश्चन फ्रेंड, बहुत इजी है, आप आराम से कर लोगे, ये कर लेना ठीक है। मैं इस पर छोड़ दिया, और रीजनिंग गो दो गलत हो गया, 17 और 19, और ऑलमोस्ट सभी सही हैं। तो और टाइम नहीं था, नहीं तो ये भी कर लेता। तो सो फ्रेंड्स ऑलमोस्ट ये मेरा एनालिसिस था, और फ्रेंड्स आप अपना ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है, और ये वाला आप ज़रूर अटेंड करिएगा ठीक है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि मैं ये अटेंड नहीं किया था, ये आप अटेंड कर लेना। 11 ये है, 30 वाला ये है, मैं 31 है ये, 32 ये है ठीक है। सो मैं ये सब क्वेश्चन अटेंड नहीं किया था, आप अटेंड कर लीजिएगा अगर आप मेरे मतलब मेरा वीडियो देख करके आप अगर मॉक कर रहे हो तो ठीक है। अदरवाइज आप अपना मार्क्स मेरे से शेयर करिएगा कि आपको कितना मार्क्स आ रहा है ठीक है। और जैसा कि आपको पता है मेरा मार्क्स आप देख ही लिए, विच इज़ नॉट क्वाइट गुड, मुझे और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। पर्सनली फ्रेंड्स मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ अपने इस मार्क्स से, मुझे और इम्प्रूवमेंट करना होगा इसमें ठीक है। जो 88.89 एक्यूरेसी जा रहा है, मुझे 90+ लाना पड़ेगा, परसेंटाइल भी मुझे 90+ लाना पड़ेगा ठीक है। और 70 मार्क्स है मुझे इसको भी, मतलब ओवरऑल मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, आई नीड इम्प्रूवमेंट, और मुझे करना पड़ेगा अगर मुझे प्रीलिम्स क्लियर करना है आरबीआई असिस्टेंट का। तो क्योंकि फ्रेंड्स जानते ही हो यार, इसका जो लेवल होता है वो आरबीआई क्लर्क आईबीपीएस क्लर्क का ही लेवल रहता है, तो मुझे और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है ठीक है। और फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी सजेशन मुझे देना हो तो आप मुझे दे सकते हो ठीक है, अपना भाई समझ के दे सकते हो, सो दैट मैं अपने कमी को पहचान पाऊंगा आप सबके माध्यम से। ओके सो टिल देन थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, और अगर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और फ्रेंड्स मेरे टेलीग्राम चैनल का खास बात ये है ना कि मैं रेगुलर ना उसमें करंट अफेयर का क्विज़ करवाता रहता हूँ ठीक है। क्यों करवाता हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मैं भी पढ़ता हूँ करंट अफेयर, और जो भी पढ़ता हूँ ना मैं उसको क्विज़ के फॉर्म में वहाँ पर अपलोड कर देता हूँ, सो दैट आपको भी रिवीजन हो जाए। मैं इसलिए डालता हूँ क्योंकि मैं जब भी विजिट करता हूँ अपना ही चैनल तो मैं एक बार ना कर लेता हूँ उसे, तो मेरा ना रिवीजन हो जाता है करंट अफेयर का ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ठीक है। फॉर द टाइम बिंग दिस इज एंड ऑफ द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप सब अपना ख्याल रखिएगा, बाय।